गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है संडे और मैं फिलहाल आ चुका हूँ जूनागढ़ से 30 किलोमीटर दूर अटनवाव पे। यहाँ पे ओसम डूंगर भी है और आप देख सकते हो ये पीछे बहुत बढ़िया सा लोकेशन है। महादेव जी का मंदिर है इधर पे और माता जी का मंदिर है। सो इस वीडियो में मैं पूरा आपको ओसम डूंगर की विजिट कराऊँगा। सो एंड तक बने रहना। चलो चलते हैं। महादेव जी की मूर्ति के पीछे की साइड में इधर पे पहाड़ चढ़ने का रास्ता है। सो अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। अभी बजे 11:30। सो गाइस ये मंदिर के ऊपर के साइड में भी एक मंदिर है, उधर पे जाएंगे अभी। मंदिर के पीछे की साइड में एक छोटा तालाब जैसा है। तो गाइस पहाड़ियों में हम ट्रैकिंग करते करते जा रहे हैं अभी। गाइस इस पहाड़ में पूरे पहाड़ में दिखाने लायक तो बहुत कुछ है। कई धर्मों के तीर्थ स्थान है, कई मंदिर है, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी बज गए 2 और हम फिर से आगे जा रहे हैं। लेकिन यार बहुत मस्त जगह है यार इधर पे। ये पीछे देख सकते हो आप, जैन मंदिर है इधर पे और उसके पीछे किला है उधर पे। लेकिन अभी हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। सो गाइस हम लोग ऊपर से नीचे रिटर्न मातृ माता जी के मंदिर के पास आए थे और इधर से दूसरा रास्ता है नीचे आप देख सकते हो, उधर से हम जाएंगे वापस और टपकेश्वर महादेव का मंदिर है उधर पे। सो अभी बजे 3, तो चलते इधर पे। महाभारत ना भूमि नी अंदर पांडवों रही गया। पांडवों वनवास दरमियान ने दिवसों गायडा। अत्रि ऋषि तप करशे सीत तप भूमि ऑटोमेटिक जड़ी बूटी ना मुड़िया माथी गड़ाई पानी आउत टपक 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 पड़े टपकेश्वर महादेव। आ पांडवों नी भूमि छे, आ देवों नी भूमि छे, ऋषि मुनि नी भूमि छे। पांडवों वनवास दरमियान ने दिवसों गायडा।
અને બાજુમાં ગૌમુખી ગંગા, ગાયના મોઢામાંથી આવે, મહાદેવના મંદિરમાંથી આવે, સામેની સાઈડમાં ભીમની થાળી. જે કોઈ માતૃમાતા તથા ટપકેશ્વર દાદા દર્શન કરશે તેને માતૃમાતા ટપકેશ્વર દાદા એની મનોકામના પૂર્ણ કરશે. पूरा पानी टपक ही रहा था और बारिश के टाइम पे तो सारा पानी इधर भी भर जाता है. और इसके बाजू में एक गौमुखी गंगा भी है, आपको दिखाई मैंने, वो कंटिन्यूसली 365 दिन पानी उसमें से निकलता ही जाता है. बहुत बड़ी ऐसी जगह थी. सो अभी हम नीचे उतर रहे हैं, अभी हम जाएंगे नीचे. फाइनली हम लोग ऊपर गए थे और वापस आ चुके नीचे शंकर भगवान की मूर्ति के पास.